हेलो इंस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली बाइट्स की आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने जा रहा है दिसंबर में। तो चलिए पेपर 1 पेपर 2 का एक बहुत ही खास टॉपिक, जिसमें पेपर 2 में सबसे ज्यादा इससे सवाल पूछे जाते हैं। हर बार आपको कम से कम 4 सवाल इस टॉपिक से मिलेगा, दैट इज टीचिंग मेथडोलॉजी। कैसे पढ़ाया जाता है, लेसन प्लानिंग का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है और कितने प्रकार की लेसन प्लानिंग होती है। लेकिन उससे पहले जितने भी टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सीडीपी सीरीज आरंभ में जाइए, जहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स बिल्कुल प्रॉपर वे में मिलेंगे। साथ में मिलेगा क्वेश्चनएयर सीरीज, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों में आए हैं उनके बारे में डील किया हुआ है, कैसे उसके हम टॉपिक्स को और कैसे वर्ड्स को पकड़ते हैं जिससे कि ऑप्शन क्रैक किया जा सकता है, उन सब के बारे में बता रखा है। तो जाइए, देखिए और अपनी तैयारी को ब्रश बूस्ट कीजिए। अब बात जैसे कि कर रहे हैं हम टीचिंग मेथडोलॉजी की। टीचिंग मेथडोलॉजी इसलिए चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए अपनी चीज़ों को, क्रिएटिव राइटिंग आ पाए उनमें, उनकी जो लेसन प्लानिंग वो बहुत ही स्ट्रांग की जा सके, और भी कई सारे प्रकार की चीज़ें हम कर सकते हैं। NEP हो या NCF हो या असेसमेंट हो, इन सब ने इस टीचिंग मेथडोलॉजी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने की एज टीचर सजेशंस दे रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेथड है डायलॉग मेथड। सजेस्ट किया ये प्लेटो ने। इनका ये कहना था कि हम अपने बात करने का तरीका इफेक्टिव वे में अगर यूज करें तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। ऑन गोइंग टॉक है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जहाँ पे कि टीचर कोई अथॉरिटी जैसा रिप्रेजेंट नहीं करता है। रैदर यहाँ पे कि डायलॉग एजुकेशन टाइप का जो मेथड है वो शिफ्ट करता है एजुकेशन सिस्टम को, कि जो लर्नर्स हैं वो बिल्कुल पैसिव मोड में ना रहें, रैदर वो एक्टिव मोड में रहें और एकदम प्रॉपर सक्रिय भागीदार बन करके अपने लेसन प्लान को समझे। एडवांटेज क्या है इस मेथड का? तो सबसे बड़ी चीज बोरियत नहीं होती, स्पीकिंग और टॉकिंग स्किल्स बढ़ती हैं, बच्चे आराम से इंगेज किए जा सकते हैं। साथ में डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे आराम से बातचीत करके चीज़ों को नेगोशिएट करके डिबेट डेवलप कर सकते हैं और खुद के क्रिटिकल थिंकिंग को भी, स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो यानी नॉलेज, टीचर, स्टूडेंट और इन सबके बीच में जब डायलॉग होगा तो एक बहुत अच्छी डायलॉग मेथड टाइप ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड सुकरात ने सुझाया और इनका ये कहना था कि 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कभी भी हम पूछते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को पिन पॉइंट करके पूछा जाए, एक प्रॉपर तरीके से पूछा जाए, तो उससे नॉलेज के लेवल का पता चलता है। ये सबसे बड़ा तरीका ये है कि ये इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन को। अगर तुमने बच्चों को खड़ा करके पूछ लिया है कि ठीक है नूपुर, तुमने बताना है, मैथ का सवाल करना है, तो अब नूपुर एज स्टूडेंट वो बताएगी। या कनिका को तुमने बोला है कि तुम जाकर के साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करो, तो वो विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेगी, क्योंकि ये यहाँ पे बच्चे को आए नहीं आए, बच्चा कोशिश जरूर करेगा। तो दिस इंश्योर्स पार्टिसिपेशन, पक्के तौर पे पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं। और टीचर ने अगर ये चीज अपने आप में टीचर डेवलप कर ले कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए वो इनकरेज कर ले, या सवाल इस तरीके से पूछे कि बच्चे खुद से आपसे उलट के सवाल पूछें, तो यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन इंश्योर होगा। कंपेलिंग क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ये नहीं कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऐसे कुछ नहीं। रैदर उनसे कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे जाएं जो उनके समाज से रिलेटेड हो या उनके कॉग्निशन से रिलेटेड हो, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन से रिलेटेड हो। कुछ छोटे छोटे प्रश्न इस तरीके के पूछे जाएं जिससे कि ज्यादातर बच्चे सोच पाए, समझ पाए। लेकिन हाँ, इस मेथड में टीचर कंट्रोलिंग पोजीशन, सवाल देखो टीचर पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टीचर थोड़ा सा कंट्रोलिंग मेथड में होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंश्योर करता है क्वेश्चन आंसर मेथड। लेकिन इस मेथड को क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है और कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, या फिर जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बच्चों से प्रॉपर जवाब नहीं आ पाता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा क्लास का ट्रैक जो होता है खराब हो जाता है। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर मेथड की बात नहीं होती। क्वेश्चन, कंपेलिंग क्वेश्चन होने चाहिए, इंगेजिंग क्वेश्चन होने चाहिए, साथ में ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो बच्चों को सोचने पे मजबूर करे। लेकिन हर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरा का पूरा एक स्लॉट टीचिंग का खत्म कर दें, ये जरूरी नहीं है। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए टीचिंग मेथडोलॉजी को, क्वेश्चन आंसर मेथडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एंड देन वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक मेथड दैट इज लेक्चर मेथड, जहाँ पे सबसे पुराना कॉमनली यूज एंड टिल नाउ हर जगह पे यही यूज किया जा रहा है. व्हाट एम आई डूइंग, लेक्चर मेथड है, तुम देख रहे हो, साथ के साथ चल रहा है. दिस इज वन ऑफ द लेक्चर मेथड्स जहाँ पे टीचर इम्पार्ट कर रहे इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं वो स्टूडेंट को बता रहा है कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, सीटेट में हो जाएगा. टीचर सेंटर्ड है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है पैसिव रेसिपिएंट है. व्हाट आर यू डूइंग, आप सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं कुछ कह रही हूँ, आप उसे सुन रहे हो. दैट इज लेक्चर मेथड, जहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा है एंड यू आर जस्ट पैसिवली लिसनिंग. एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव, फ्री में लेक्चर्स देख रहे हो आप, राइट? अपना इंटरनेट आपने रिचार्ज करा रखा है, आप उससे देख रहे हो, यूट्यूब अवेलेबल है, वहाँ पे ये लेक्चर फ्री में है. ज़्यादा कंटेंट आप बहुत ही कम समय में, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हो साथ में. लेकिन इसमें ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, जिसका ख्याल हम अपनी सीटेड बैचेस में रखते हैं वो चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं है. आई डोंट नो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आप क्या पता ट्यूब की स्पीड में ये लेक्चर को बस निकाल रहे हो, निकाल रहे हो, निकाल रहे हो. वो इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर करते हुए प्रॉपर पार्टिसिपेशन के साथ अगर मुझे पढ़ाना है साइकोलॉजी आपको, तो ये वो जगह नहीं है जहाँ पे कि आप पढ़ पाओगे. जगह है हमारा सीटेट बैच, जहाँ पे आप जुड़ोगे और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करोगे, जहाँ पे कि हम अलग अलग डायमेंशंस पे बात करते हैं. कुछ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, कुछ मैं शेयर करती हूँ, और होलसम मैनर में क्लास जब निकल के आते आई ऑल्सो गेट टू नो कि भाई बच्चे क्या सोच रहे हैं. वहाँ पे होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, वो फिर लेक्चर मेथड नहीं रह जाता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन लेक्चर मेथड एंड अदर मेथड्स, जहाँ पे कि टीचर अथॉरिटी है, जहाँ पे टीचर ही सिर्फ सारी बातें कह रहा है, दैट इज लेक्चर मेथड. फिलहाल खुद को बूस्ट कीजिए डेली बाइट्स के साथ. हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in, आप वहाँ जाइए. आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तब आपको प्रॉपर एक टाइल मिलेगा जो बिल्कुल डेडिकेटेड होगा सीटेट पे. मात्र ₹1 में, ध्यान रखिए, मात्र ₹1 में बहुत सारे आपको फुल लेंथ मॉक पेपर मिलेंगे. साथ में मिलेगा आपको कुछ टॉपिक वाइज मॉक भी, जहाँ पे आरंभ सीरीज को फॉलो करें, टॉपिक वाइज मॉक लगाएं और साथ में टॉपिक वाइज मॉक लगा के अपनी क्लैरिटी करें और लास्टली फुल लेंथ मॉक पेपर लगा करके अपनी तैयारी को एकदम शाइन कराएं. तो जाए और अपने सारे मॉक पेपर्स को सॉल्व करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें. अगली बात आती है इंडक्टिव मेथड की. देखो, इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ रखा है तुमने, तो जैसे वो रीजनिंग है वैसे ही ये मेथड भी है. कैसे है, तो सबसे पहले ये समझते हैं बताया किसने. बताया फ्रांसिस बेकन और पेस्टोलॉजी ने. इनका ये कहना था कि यहाँ पे अगर हम कोई चीज पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चों को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करो. एज एन अगर मुझे नाउन बताना है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट नेम्स का इस्तेमाल करूँ, तो फिर उसके बाद उन बच्चों को बताऊं कि कैसे हमने नाउन निकाला है. बेसिकली क्या कर रहे हैं हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल. मैं बात कर रही हूँ माउंटेन की, मैं बात कर रही हूँ रिमझिम की, मैं बात कर रही हूँ गया की, मैं बात कर रही हूँ पटना की, या फिर मैं बात कर रही हूँ किसी आम से सब्जेक्ट की, मैंगो की अगर मैं बात कर रही हूँ, राजस्थान की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं नाम ले रही हूँ, नाम, पर्टिकुलर नाम, बट जनरल वो सारी चीजें क्या है, नाउन. दे ऑल आर नाउन, अलग अलग टाइप के वो नाउन है. तो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ मूव करते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल लिए और फिर हमने नाउन के बारे में बताया. उसी प्रकार मैथमेटिक्स में अलग अलग तरीके से हमने सम किया और फिर अलग अलग तरीके से बताया कि कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल का 180 डिग्री आता है. तो इसी प्रकार इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड. Then we have deductive method. Again, deductive reasoning भी होता है, जिसमें ये फिर बताया हमें एरिस्टोटल ने, और इनका ये मानना था कि ये जो है इंडक्टिव का कंप्लीट ऑपोजिट होता है, जहाँ पे कि टीचर्स प्रॉपरली पहले बताते हैं जनरल रूल्स, फॉर्मूला, और फिर एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस कराते हैं. आपने मैथमेटिक्स में देख रखा है, पहले आप फॉर्मूलाज पढ़ते हो और फिर उसके बाद जाकर के आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो. ये टीचर सेंटर अप्रोच है, जहाँ पे कि नए कंटेंट को बताने का तरीका थोड़ा अलग है. एग्जाम्पल के लिए या फिर दोनों को हम एक साथ डिफरेंस करके देखें कि कैसे इन दोनों में डिफरेंस है, तो सबसे पहला और बड़ा डिफरेंस तो यही है कि डिडक्टिव रीजनिंग में नया नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, माफ करना, डिडक्टिव मेथड में कोई नया नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, पर इंडक्टिव मेथड में नए प्रकार का नॉलेज दिया जा रहा है और नया नॉलेज देने के लिए इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। डिडक्टिव मेथड वेरिफिकेशन के लिए होता है, वेयर एज इंडक्टिव मेथड जो होता है डिस्कवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडक्टिव मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, वेयर एज डिडक्टिव मेथड इज मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ऐसे करो, इसके बाद ऐसे करो, इसके बाद ऐसे करो, स्टेप वाइज जाओ, सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार करके हम चीजों को बता रहे हैं, दैट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। वीडियो को पॉज करिए और इस पूरे के पूरे डिफरेंस को समझिए और फिर आगे बढ़िए। अब देखो, इंडक्टिव और डिडक्टिव के ऊपर ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई नया आइडिया है, जैसे ऑल ह्यूमन और मैन आर इमोर्टल, माफ करना, ऑल मैन आर इमोर्टल। ऑब्जर्वेशन कि जेसन इज अ मैन, ठीक है, और कंक्लूजन क्या हुआ, जेसन इज मोर्टल, क्योंकि ऑल मैन आर मोर्टल और जेसन भी एक मैन है तो जेसन भी मॉर्टल हुआ। तो ये हुआ डिड्यूस करना, एक के बाद हमने डिड्यूस कर लिया। इंडक्शन में क्या हो रहा है, इंडक्शन में हो रहा है कि पहले हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब मैं मूंगफलियां खाती हूँ मुझे कुछ दिक्कत होती है, एनालाइज किया कि कुछ सिम्टम्स सारे बॉडी में रैशेज हो रहे हैं, और फिर थ्योरी डेवलप किया कि अरे भाई मुझे मूंगफली से दिक्कत हो रही है। तो पहले ऑब्जर्वेशन से शुरू किया हमने और फिर उसके बाद हमने थ्योरी डेवलप करी है। तो दिस इज हाउ ये इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथडोलॉजी काम करती है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन, एज द नेम सजेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, जहाँ पे कि टीचर करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। साइंसेज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का। ये एक आइडिया है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज बेसिकली एन आइडिया, जहाँ पे कि बच्चों को दिखा करके उनके सेंसेस को, हम अलग अलग सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चा देख रहा है, चीजों को देख रहा है, कलर्स उसको दिख रहे हैं, बात आप जब बोल रहे हो वो सुन रहा है, तो उसके मोर देन वन सेंस इन्वॉल्व हो रहा है। तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और ऑल्सो इफ टीचर इज नॉट ट्रेन्ड एनफ, सबसे बड़ा दिक्कत इस मेथड में क्या है कि अगर शिक्षक अच्छे से प्रॉपर तैयार नहीं है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो ये मेथड का शायद उतना कुछ यूज ना रह जाए जितना इसका होना चाहिए। लेकिन इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, जैसे सबसे पहले कि एक साथ कई सारे सेंसेस इसका इस्तेमाल होता है, तो बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि वो सामने दिख रहा है, उसका यूज मिसयूज सारी चीजें दिख रही हैं, तो बेटर लर्निंग को प्रमोट करता है। इट इज लेस स्टूडेंट सेंटर, ध्यान रखना यहाँ पे परफॉर्म करने वाला कौन है, टीचर, तो स्टूडेंट सेंटर नहीं हुआ, इट इज लेस स्टूडेंट सेंटर एंड एक्सपेंसिव मोर। व्हाई टीचर इज डूइंग, क्यों कर रहे हैं टीचर, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पिपेट या ब्यूरेट वो साइंस के लैब में इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए तो वो गिर के टूट जाए, या फिर कोई केमिकल है बच्चा इस्तेमाल करे तो वो उनके हाथ पे गिर जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो दैट इज वाई डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक्सपेंसिव भी है, हर चीज डेमोन्स्ट्रेट करके बतानी भी है, और दूसरा टीचर सेंटर्ड ये थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट इज अबाउट प्रोजेक्ट मेथड, जहाँ पे कि प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। ये विलियम किलपैट्रिक ने बताया हमें, और इनका ये कहना था कि इट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रैग्मेटिस्ट साइकोलॉजी, जहाँ पे कि ये व्यवहारिक मनोविज्ञान से प्रभावित हो करके इन्होंने इस प्रकार का मेथडोलॉजी बताया जो स्टूडेंट सेंटर और कोलैबोरेटिव अप्रोच से आता है, जहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है, उनको छोटे छोटे ग्रुप में बांट रहा है, उनको अप्लाई करने के लिए नॉलेज दे रहा है, और कुछ कुछ चीजें उनको रियलिस्टिक प्रॉब्लम दे दिया गया कि ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये वाली प्रॉब्लम ग्रुप ए इस प्रॉब्लम पे काम करेगा, ग्रुप बी इस प्रॉब्लम पे काम करेगा, और सभी उसको सॉल्व करके ला रहे हैं। इट प्रमोट्स एक्सटेंडेड इंक्वायरी, बच्चे को प्रॉब्लम पता है तो अब वो सॉल्व करने के लिए अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे जा करके काम परफॉर्म करने वाला है। इट इज हाईली एडवांटेजियस मेथड, क्योंकि यहाँ पे बच्चा लर्निंग भी कर रहा है, लर्निंग बाय पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, बच्चों का सोशलाइजेशन भी हो रहा है, उनका समाजीकरण हो रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक का कोई ग्रुप नहीं होता, 4 लोगों का ग्रुप बना दिया है, प्रोजेक्ट किसी चीज का दे दिया है। ऊपर से दिस मेथड इंश्योर्स इंटरडिसिप्लिनैरिटी ऑल्सो, कई सारे विषयों का इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्ट बाउंड्रीज को रिमूव करता है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग और स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बनाने के बहुत सारा काम आता है। बट इट ऑल्सो हैज समथिंग विच इज वेरी डिसएडवांटेजेस, कॉस्टली है, टाइम टेकिंग है, बार बार आप हर टॉपिक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और टीचर हर बार हर किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकता है कि कौन कितना दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, वो किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है। तो अगेन, अगर इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंटर्स हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंटर्स भी हैं, ऑब्वियस सी बात है ये सारे मेथडोलॉजी आप एक ही लेसन प्लान में नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग किसी किसी दिन लेसन प्लान में इन सबका इस्तेमाल करोगे तो इसका ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा. देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सजेस्टेड बाय जॉन डेवी. जॉन डेवी ने हमें बताया जहाँ पे किनका ये कहना था कि बच्चे सीखते हैं लेकिन वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे जब काम करते हैं तब ज़्यादा बेहतर सीखते हैं. बच्चों को एक नई अंडरस्टैंडिंग होती है जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं खुद से, तो वो एग्जामिन करना सीखते हैं, समझते हैं, एनालाइज, इंटरप्रेट, सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. तो अलग अलग तरीके से उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो होलिस्टिक मैनर में निकल के आता है. तो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में प्रॉपर होलिस्टिक मैनर में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. प्रोजेक्ट मेथड में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड लाइक प्रोजेक्ट मेथड और किसी प्रकार का जो मेथड हमने पीछे डिस्कस किया है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज आल्सो स्टूडेंट सेंटर. बट हर बार हर टॉपिक के साथ आप इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो. प्रॉब्लम सॉल्विंग एलपीज अलग तरीके से डिजाइन की जाती है और हर एलपी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो सकती है, एक के बाद दूसरी हो सकती है. यानी कि आप सीधी सी बात है एक टॉपिक में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करा दो, एक पूरे चैप्टर में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करा दो, दैट इज मोर देन एनफ. जहाँ पे कि प्रॉब्लम को करने के 5 स्टेप हैं. सबसे पहले एनालाइज करना कि अनवांटेड सिचुएशन क्या है, सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटरवेंशंस स्टार्ट करना, दिमाग के घोड़े अब दौड़ाना शुरू कर दिया है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो सोल्यूशन लेके आए हैं उनको उनमें से बेस्ट को निकालना बाहर की. अभी ये 5 सोल्यूशन है, 5 में से 3 जो है शोर शॉर्ट काम करने वाले हैं. उन शोर शॉर्ट काम करने वालों के लिए प्लान ऑफ एक्शन और फिर उस प्लान ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट की इफेक्टिवनेस को असेस करना. ये 5 स्टेप है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हर बार इस्तेमाल होते हैं. कभी आराम से सोचना तो तुम भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्हीं 5 स्टेप्स को अननोइंगली इस्तेमाल करते हो. सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है टीचर एजुकेशन ग्रुप. जाएं, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें. साथ में कोई सीटेट एस्टेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो भी आपको इस ग्रुप में प्रायर बेसिस पे इंफॉर्मेशन के रूप में डाल दी जाती है. तो आप जाइए और जरूर जुड़िए. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हो. एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू. जाएं, जुड़े, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को पूछें. आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट. अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स, डू फॉलो आरंभ सीरीज. गॉड ब्लेस यू ऑल.